नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे। दोस्तों, एमपी वेदर अपडेट। अगले 24 घंटे में मध्य प्रदेश में भारी बारिश की संभावना। मध्य प्रदेश में झमाझम के आज आसार हैं। आज इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। दोस्तों, आप किस जिले से हैं मध्य प्रदेश के, हम मध्य प्रदेश के सभी जिलों की बात करेंगे। अपने जिले का मौसम अपडेट पाने के लिए आप जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में आपके जिले का नाम लिखें। हम मध्य प्रदेश के सभी जिलों के अपडेट लेकर आते हैं, फिर चाहे भोपाल हो, राजगढ़, रायसेन, विदिशा, सीहोर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, अशोकनगर, गुना, ग्वालियर, दतिया, सीपरी, अलीराजपुर, इंदौर, खंडवा, खरगोन, झाबुआ, धार, बुरहानपुर, बड़वानी, कटनी, छिंदवाड़ा, जबलपुर, डिंडौरी, नरसिंहपुर, मंडला, बालाघाट, सिवनी, बैतूल, हरदा, होशंगाबाद, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, छतरपुर, टीकमगढ़, दमोह, पन्ना, सागर, निमाड़ी, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, आगरमालवा, उज्जैन, देवास, नीमच, मंदसौर, रतलाम और शाजापुर। दोस्तों, इस लिस्ट में आपके ज़िले का नाम क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश वेदर अपडेट। मध्य प्रदेश में अगले 24 घंटों में भारी बारिश की संभावना है। काफ़ी लंबे समय के बाद आखिरकार मध्य प्रदेश में बारिश का दौर शुरू हो गया है। पूरा जुलाई का महीना बारिश को तरसे प्रदेशवासियों को गर्मी से अगस्त में निजात मिलने की पूरी संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के बुधवार को गहरा कम दबाव के क्षेत्र में तब्दील होने की संभावना थी, जिसके चलते पूरे प्रदेश में झमाझम बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। पिछले 24 घंटों में कहां कहां हुई बारिश, आपके ज़िले का नाम अवश्य देखें। बीते 24 घंटों में होशंगाबाद, जबलपुर, शहडोल, सागर, रीवा संभागों में अधिकांश स्थानों पर और चंबल, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर और उज्जैन संभागों के जिलों के अनेक स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई है। प्रदेश के पथरिया में 10 सेंटीमीटर, माडा, गोपारू, कोलारस, भीमपुर में 9 सेंटीमीटर, तेंदुखेड़ा में 8 सेंटीमीटर, मंझौली में 7 सेंटीमीटर, उज्जैन, सिहोरा, बजाग में 6 सेंटीमीटर, कुंडम, चितरंगी, सिवनी, आरोन, ग्यारसपुर, बड़नगर, भद्रवा, सिपरी, पिपरिया, सिलवानी, चाचड़ों में 5 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। चलिए जानते हैं कि प्रदेश में कहां कहां बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के इंदौर, उज्जैन, भोपाल, होशंगाबाद, रीवा, शहडोल, जबलपुर, ग्वालियर और चंबल संभागों के जिलों में बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं सागर संभाग के कुछ जिलों में बारिश हो सकती है। वहीं सिवनी, देवास और धार जिलों में भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। भारी बारिश के साथ बिजली चमकने गिरने की आशंका। मध्य प्रदेश के सतना, अनूपपुर, शहडोल, छिंदवाड़ा, मंडला, बालाघाट, दमोह, सागर, छतरपुर, विदिशा, रायसेन, बैतूल, खंडवा, खरगोन, अलीराजपुर, बड़वानी, झाबुआ, इंदौर, उज्जैन, गुना, दतिया, राजगढ़, नीमच, मंदसौर, उमरिया, रतलाम, ग्वालियर, अशोकनगर, सीपरी, श्योपुर कला में भारी बारिश के साथ गरज चमक, बिजली चमकने और गिरने की आशंका जताई गई है। बता दें कि 1 जून से लेकर अब तक मध्य प्रदेश में कुल 592.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं भोपाल शहर में कुल 24.7 mm वर्षा हुई है। तो दोस्तों, आपके ज़िले का नाम आया या नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आगे भी आपको आपके ज़िले का लेटेस्ट अपडेट, वेदर अपडेट मिलता रहे, इसलिए आप अपने ज़िले का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बने रहें चैनल पर, सब्सक्राइब और बेल के आइकन को प्रेस करके। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।